तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्ट हो गया। एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया लाइफ रिव्यू के टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया, इतनी सारी चीज बताई अभी आपके समय, आपने अपने स्पिरिट गाइड के सामने प्रॉमिस किया कि इस बार जब मैं धरती पर जाऊंगा तो क्या क्या लर्निंग लेकर आऊंगा, वो मैं आपको, मैंने इतनी देर से जो समझाया वो ये पार्ट था, कितनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करूंगा और किस तरीके से मैं अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, क्या क्या चैलेंजेस मैं फेस करूंगा, और बस मैं ये कहता हूं कि मुझे ताकत देना कि मैं इन चैलेंजेस को स्ट्रोंगली पावरफुली ग्रेट मेंटल पावर के साथ फेस कर सकूं। इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ताकत देना, मुझे बल देना, मुझे हिम्मत देना, मुझे सही गाइडेंस देना, ताकि मैं अपने उन चीजों को निभा सकूं। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा प्रोबिस होता है आत्मा, जो सोल है वो गर्भ में परमात्मा के सामने प्रॉमिस करती है, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होता है, ये रिटर्न होता है, और ये जो मैंने पहला भी बताया आपको, ये भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें सिग्नेचर होते हैं आत्मा के, उसके ऊपर स्पिरिट गाइड के सिग्नेचर होते हैं, परमात्मा की तरफ से अपॉइंटेड जो सत्ताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उन दिव्य सत्ताओं के सिग्नेचर होते हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइन हो गया, अब इससे आप डिफर नहीं कर सकते। इस धरती पर आना है और इन सब चीजों को भुगतना है, ये डिफॉल्ट, ये पार्ट है। या तो प्रॉमिस होते नहीं, प्रॉमिस होते हैं तो यहाँ पक्का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, ठेके पे काम दे देना, भाई ये ठीक है, ये प्रॉमिस कर दिया तो इतने दिन में काम करके देगा, इतना पैसा लेगा, ये ठेका। तो ऐसे ही इस आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमें श्वास दिए जाते हैं, इतने श्वास तुम्हें दिए गए हैं, इतना टाइम दिया गया है, इतनी सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन में ये वाला काम कंप्लीट करके वापिस आना। तो ये हो गया एक पार्ट स्टोरी का। इसका, इसी स्टोरी का दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है गर्भ के समय में किया हुआ प्रॉमिस। गर्भ के समय में इंसान जब उल्टा लटका होता है तब परमात्मा से प्रॉमिस करता है, हे प्रभु मुझे यहां से बाहर निकाल ताकि मैं तेरा मेडिटेशन कर सकूं, तुझे याद कर सकूं, तुझे तेरा भजन कर सकूं। ये प्रॉमिस बड़े गजब का है, इसके बारे में मैं और विस्तार से आपको कभी बताता हूं, क्योंकि ये प्रॉमिस होता है याद करने का, बड़ी इससे अगले जीवन की, जीवन का जो पार्ट है वो जुड़ा होता है। अब तीसरा जो पार्ट है जिस पे अब मैं आ रहा हूं, ये होता है अपने इष्ट या गुरु से किया हुआ प्रॉमिस। और चौथा पार्ट होता है आत्मा से आत्मा के बीच में किया हुआ प्रॉमिस। एक बार ये नहीं बताऊं फिर आपको इष्ट गुरु वाली बात बताता हूं। अब दो आत्माओं के बीच में प्रॉमिस कैसे होता है? आप कभी कभी किसी और, इस व्यक्ति को इस संसार में बोल देते हो, मैं तुम्हारा हर जन्म में साथ निभाऊंगा। बॉलीवुड के सारे सॉन्ग यहीं पर आते हैं, हर जन्म साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, और जन्म जन्म नहीं छूटेगा ये हाथ और ये साथ और ये फलाना और ये ढिमका, ऐसे जो प्रॉमिस होते हैं। जरा ध्यान से प्रॉमिस करना, ध्यान से, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूर नहीं जाऊंगा, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक मैं भी मुक्त नहीं होऊंगा। ये हमारे किए हुए प्रॉमिस होते हैं दूसरी आत्माओं से, इसमें भगवान का रोल नहीं है, याद रखना। बाकी सब चीजों में भगवान का रोल था, यहां कोई भगवान का रोल नहीं, यहां आत्मा टू आत्मा कॉन्ट्रैक्ट है। इसी में एक विशेष तरह का कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैं सबकी जिक्र करता हूं पहले। ये आत्मा से आत्मा का जो रिश्ता है, आमतौर पे कभी कभी ये होता है बच्चों और माता पिता के बीच में। बच्चे इमोशनल होके कभी के, तेरी तेरी जैसी माँ मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, मैं चाहता हूं कि तुम हर जन्म में मेरी माँ बनना। माँ ने भी कहा नहीं, हाँ मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, तो मेरा बच्चा बनेगा, हम हर जन्म में साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉमिस है, दो आत्माओं के बीच का प्रॉमिस, ये निभाया जाता है, इसको तोड़ा नहीं जाता। जो तोड़ता है उसके ऊपर फिर एक तरीके से उसको उसका बोझ झेलना पड़ता है। तो प्रॉमिस होते हैं, तो ये प्रॉमिस गलती से जरा ध्यान से करना, सोच समझ कर करना, क्योंकि लोग ये प्रॉमिस कर करके फंसे बैठे हैं। अब इसमें समस्या क्या आती है? आपने एक आत्मा को प्रॉमिस कर दिया, किसी के साथ भी, वो माँ बेटे का संबंध हो सकता है, वो पति पत्नी का संबंध, सबसे ज्यादा जो खतरनाक है ना वो ये वाला है, पति पत्नी वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला। क्योंकि जब प्यार तो होता है अंधा, जब प्यार का वो बुखार चढ़ता है और डोपामाइन जब होता है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, जब ये होता है ना घटित, तब बंदे की होश नहीं होती, तब वो ऐसा पागलपन में आ जाता है, प्रॉमिस कर दिए मैं हर जन्म में साथ निभाऊंगा। अब आपने यहां प्रॉमिस तो कर दिया कि जन्म जन्म सात जन्म तक मेरा साथ है तुम्हारे साथ, ठीक है। हुआ क्या,
अगले जीवन में आपकी यात्रा अलग और इनकी यात्रा अलग, दोनों ने स्पिरिचुअली अलग अलग प्रोग्रेस करी, क्योंकि दोनों का पिछला जीवन तो अलग अलग था। पिछले जीवन में मेरी यात्रा अलग, आपकी यात्रा अलग, उसकी यात्रा अलग, उसकी यात्रा अलग, दोनों कहाँ कहाँ से आ रहे थे। इसके साथ जो तकलीफें, एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर के बीच में प्रॉमिस हुआ, ठीक है, इसकी अपनी कार्मिक लाइन, इसकी अपनी कार्मिक लाइन, ये दो कार्मिक अलग अलग डायरेक्शन में, इन दोनों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अलग हो सकता है। जो मेल है उसने बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर ली, या फीमेल ने बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर ली, ठीक है, लेकिन उसका काउंटर पार्ट ने कोई खास स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करी। अब एक तो पहुंच गया, एक तो ऐसा है कि अब वो एक जन्म और कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा, उसके लिए उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, मतलब सपोज 0 से लेकर अगर 100 की स्केल है तो एक की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी 80, और दूसरे की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है 30, 20 या 30। अब इन दोनों की अगले जीवन में इन दोनों की मिसमैच हो जाएगी बुरी तरह से। एक तरफ आप ये मांगते हो कि मुझे ऐसे लोगों का साथ दो जो स्पिरिचुअली मेरे जैसे हाई हो, और एक तरफ आप किसी के साथ आपने प्रॉमिस कर रखा है, इसलिए ऐसे लोगों का साथ आपको झेलना पड़ता है। तो लोग कहते हैं अधिकतर मेरे साथ मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल मिसमैच बैठते हैं, वो मेरी बात सुनते नहीं, समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो आपके प्रॉमिस का पार्ट है, ये है सोल कॉन्ट्रैक्ट, और ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें कोई आसान काम नहीं होता, इसमें इतना आसान काम नहीं होता। इससे मुक्ति कैसे मिले, इसके बारे में मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, इसे मुक्ति कैसे मिले, तो प्यार से ध्यान से प्रॉमिस करना। पहली बात तो मेरी बात समझ लो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं सबके आगे, प्लीज ये प्रॉमिस करते हुए सोचना, ऐसे मत किसी के आगे प्रॉमिस कर देना। आप कह देते हो किसी के साथ आज तो प्यार का बुखार चढ़ा है, जब ये बुखार उतर जाएगा फिर क्या होगा? आपने कह दिया कि बस हर जीवन में साथ दूंगा मैं तुम्हारा, मर मिटूंगा तुम्हारे पीछे, एक जन्म नहीं मैं 100 जन्म तुम्हारे पीछे मरने के लिए तैयार हूं। अच्छा, पता चलेगा जब जीवन का अगला पहलू आएगा, अब ये तो खत्म हो गया, जीवन समाप्त हो गया यहाँ पर, यहां से गए अगले जीवन में, ये आपकी जिंदगी का एक डिफरेंट पार्ट चालू हो गया, आपके कर्मों के साथ दूसरे के कर्म शेयर करने वाली बात हो गई है। ये याद रखिए, अब जो एक आत्मा ने खूब तरक्की कर ली, आध्यात्मिक रूप से बहुत तरक्की कर ली, अब उसके पास मौका आ गया है मुक्ति का, वो चाहे तो मुक्त हो सकता है या हो सकती है, एक पार्टनर। दूसरा पार्टनर अभी बिल्कुल ही मोह माया में अटका पड़ा है, अब इनकी क्या कंडीशन होगी आप सोच सकते हो। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है, ये मत कह देना कि परमात्मा ने ऐसा पति मेरे जीवन में लिख दिया या ऐसी पत्नी मेरे जीवन में लिख दी, उसको मेरी बातें समझ में नहीं आती, मैं कहता हूं कि सत्संग चलो, वो कहती है पार्टी चलो। अब ये हरकतें होती है कि नहीं होती है, जरा आप भी देखो, कमेंट करके बताना जरा किस किस के साथ ये हरकतें होती हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगी मैं कितनी सीरियसली ये बात कह रहा हूं। ये हरकत होती है क्योंकि हमने प्रॉमिस किया हुआ है, और उस वक्त तो प्यार का बुखार चढ़ा था, बोल दिया। ऐसे न जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। जरा और भी बता दूं आपको, ये तो हो गया ऐसा आत्मा के साथ ही वाला प्रॉमिस, ऐसे माता पिता के साथ प्रॉमिस कर दिया हमने, किसी दोस्त के साथ प्रॉमिस कर दिया, दो लोग इकट्ठे रहे और मन दिल एक दूसरे के साथ जुड़ गया, अरे बस यार तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना कहाँ, फलाना, हमने उसके साथ प्रॉमिस कर दिया, राइट। कहना बड़ा आसान है, लेकिन लेकिन निभानी बड़ी टफ है, बड़ी टफ है। जब इस व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आएगी, अब ये यहां तक बात ठीक है, आप में से एक आत्मा का, आत्मा की तरक्की में सबको साथ लेके चलना कोई मजाक नहीं है। आप पहले अपने आप को संभाल लो, दूसरों की तरक्की का प्रॉमिस जो हम कर देते हैं वो बड़ा टफ है, बहुत टफ है। मैंने देखा है लोगों को अटके हुए वहां पर, ऐसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट लगाकर फंस जाते हैं, राइट। एक आत्मा ने दूसरी आत्मा के साथ, तो ये मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा, मैंने देखा है लोगों को। अभी मेरी किसी बात को जरा गलत मत समझना, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। किसी आत्मा से हमारा एनकाउंटर हुआ, एक आत्मा जो है अटकी हुई थी कहीं पर, हमने उससे किसी के शरीर पर वो आई हुई थी, मतलब किसी के को तंग कर रही थी एक आत्मा, तो उसके उसके साथ उसके उसको जब हमने उसके साथ बातचीत करी, उस आत्मा को इन्वोक किया, तो उसे पूछा कि तू है कौन, तो उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रही हूं,
मतलब होने वाले हस्बैंड के लिए वेट करूं, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, वो गया था मेरा मतलब वो हस्बैंड नहीं, एक्चुअली उसका लवर था, मतलब वो अपने लवर के लिए, दो लोगों का प्यार हुआ, उस प्यार के चक्कर में एक ने कहा कि मैं, मेरे पिता ने, उसके जो जो लड़का था, उस लड़के को उसके पिता ने कहा कि तुझे बाहर नौकरी के लिए भेजा जा रहा है, तू वहां जाके कुछ कमा ले, उसके बाद लौट के आई हो और बाद में तेरी शादी करवा देंगे। तो उसको नौकरी के लिए दूसरे शहर भेजा गया। लड़की प्रॉमिस का वेट करती रही कि कोई आएगा, वो आएगा और एक दिन मेरे से शादी करेगा। तो ये प्रॉमिस करके कर लिया, वायदा हो गया। अब ये वहां गया, नौकरी में ऐसा उलझा, तो ये वहां जाकर सब भूल गया। अब ये लड़की बैठकर वेट कर रही है, इसने दूसरी शादी भी नहीं करी, और एक समय आया जब चीजें बिगड़ती गई बिगड़ती गई, फाइनली माता पिता भी चल बसे, और एक दिन इस लड़की ने भी लोगों के तानों से, लोगों ने ताने दे दे के, अरे तेरा नहीं आया, तेरा ऐसा आया, तेरा वैसा, गालियां दे दे के, इसने भी सुसाइड कर लिया। इस लड़की की आत्मा, उसने कहा, लगभग 350 सालों से भटक रही है। कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बिलीव दैट, 350 सालों पहले कोई प्रॉमिस करके गया था। अब ये है कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हें क्या लगता है, उस लड़के को शांति मिल चुकी होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये उस लड़के को तलाश रही है, ये उस लड़के को तलाश, इस लड़के की तलाश में ये किसने किसी और पर अटैक कर दिया, मतलब ये सोल है, भटक रही है, सुसाइड किया है, सुसाइड किया है तो उसको कोई गति तो मिलेगी नहीं, तो अटक गई है, अटक के इसने किसी पर अटैक कर दिया, तो किसी और के ऊपर बैठी हुई है, और वो भी ऐसी ही कोई सोल है, वो जो लड़का है कुछ ऐसी ही सोल है जो किसी के साथ कोई प्रॉमिस तोड़ के बैठा है, ये किसी और के साथ किसी और का रिश्ता लिंक बिट बैठ गया। अब ये कितना खतरनाक काम हुआ पड़ा है, आप सोच सकते हो। अब ये कहती है कि मैं उससे बदला लूंगी क्योंकि उसने मेरे जीवन बर्बाद कर दिया। आप बताओ इसका क्या हिसाब किताब होगा? कहीं ना कहीं इन दोनों को आमने सामने लाना पड़ेगा। पहली बात, इनको माफी मंगवानी पड़ेगी, इस लड़के को प्रॉमिस क्यों करके गए थे इसके साथ, और फिर हो सकता है कुदरत इनको ऐसी वो दे कि तुम एक एक जीवन साथ बिताओ और एक दूसरे को झेलो। अब ये झेलना भी आसान नहीं होगा, याद रखना, याद रखना, आसान नहीं होगा, क्योंकि इसने कितना दर्द सहा है, लड़की ने, ये तो अपने मजे ले रहा है वहां बैठ के, जो भी अर्जी कर रहा है, हो सकता है इसने भी दुख झेला हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन पता नहीं कुछ तो हुआ होगा। अब अकॉर्डिंगली इनको इनको इनके बीच में जो ये प्रॉमिस है, ये है सोल कॉन्ट्रैक्ट, इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, कोई आप ये नहीं कह सकते कि कर्म बीच में कहां से आ गया, बस ये प्रॉमिस किया था। तो प्रॉमिस किसी को गलती से वैसे मत कर देना, ध्यान से प्रॉमिस करना, और याद करना, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। अब जान जाए पर वचन जाए, मतलब अगर वचन दिया है तो निभाना पड़ता है, नहीं तो कुदरत आपसे निभवाती है, स्पेशली तो प्रॉमिस कर दिया, तो प्रॉमिस ध्यान से करना, और अगर प्रॉमिस कर रखा है तो अब ये प्रॉमिस समर्पित कर देना परमात्मा को कि प्रभु पता नहीं मैं किस किस से प्रॉमिस करके आया हूं, मुझे क्या पता, मुझे तो याद ही नहीं है मैं किस किस से प्रॉमिस करके आया हूं। तो यही आता है समर्पण भाव, इंपॉर्टेंट है। अब मेरी मुक्ति की बात हो रही है, मेरे पास परमात्मा मुझे कहते हैं बस तू तेरे थोड़े से कर्म बचे हैं और तू इसको मुक्त हो गया जाएगा, लेकिन अपने सारे हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे, कोई चीज अधूरी छोड़ के नहीं जा सकते यहां पर तुम, ठीक है? तो मुक्ति से पहले सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन क्लियर करने के लिए मुझे याद भी तो होना चाहिए। तो यहां आते हैं प्रॉमिस, पता नहीं किस किस चीज का प्रॉमिस कर रखा है हमने। और भी दो चार एग्जाम्पल दूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये प्रॉमिस होता है लोगों के दूर ना जाने का प्रॉमिस, लौट के आने का प्रॉमिस, पैसे लौटाने का प्रॉमिस। आप कभी कभी कह देते हो ना किसी को, कह देते हो अरे बस थोड़े दिन की बात है, बस एक महीने के अंदर, एक महीना बीता और मैंने तुम्हारे पैसे वापस किए। वो बेचारा पैसे के इंतजार करता रहा कि महीना बीतेगा और तुम पैसा इसको लौटाओगे, बीच में ये मर गया, बीच में इस व्यक्ति का टाइम पूरा हो गया, चला गया, या तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तो ये रह गया सोल कॉन्ट्रैक्ट, अटक गया। आपने प्रॉमिस किया और पूरा नहीं निभा पाई, ये बड़ा खतरनाक बंधन है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, किसी जीवन में हिसाब किताब पूरा करने के लिए फिर आना पड़ेगा। अब एक की तरक्की, पूरे की पूरी तरक्की दूसरे के कारण रुक जाती है, पर ये बड़ा खतरनाक काम है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आर यू विद मी? राइट, 1 मिनट में अपनी ना राम कहानियां मत लिखो प्लीज, आपको
आप ये सभी अपनी अपनी एकदम से 1 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी मत लिखो प्लीज। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात को सुनोगे। मैं इसलिए आपके क्वेश्चन देख ही नहीं रहा। जो भी लिख रहे हैं उनको लग रहा है कि कोई मैं उनके क्वेश्चन देख रहा हूँ। नो, नोबडी इज लुकिंग एट योर क्वेश्चन, सो प्लीज डोंट राइट। कोई फायदा नहीं उस बात से। पहले जो टॉपिक है उसको कवर करने, तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगा सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे फिर। अभी नहीं, मैं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ। तो ये जो प्रॉमिस है, इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो बात समझ में आती है। आप अपनी ही राम कहानी, आप पर्सनली क्वेश्चन लोग पूछे जा रहे हैं, आई विल नॉट रिप्लाई, सिंपली नॉट रिप्लाई। अभी तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपने पता नहीं किसके साथ क्या प्रॉमिस कर रखा है। तो ये प्रॉमिस का मैंने आपको एक पार्ट बताया, एक और पार्ट बताता हूं आपको। तो किसी आत्मा के साथ यहाँ प्रॉमिस करते हुए जरा ध्यान देना, किसी अरे गहरे के साथ करो कोई प्रॉमिस, ना पैसों का करो प्रॉमिस, ना मिलने का प्रॉमिस। हम कह देते हैं अरे पक्का गॉड प्रॉमिस आऊंगा मैं, अरे बस आया, बस ये 3 महीने बीते और हम मिले। भैया ऐसे प्रॉमिस मत कर देना, अटक जाओगे। क्या पता कौन 3 महीने बीतने के बाद क्या होगा, कहाँ नहीं होगा, कितने प्रॉमिस कर करके भूल गए हो तुम। ये है सोल कॉन्ट्रैक्ट, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो इसके लिए क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। मान लो मेरे प्रॉमिस किए हुए हैं और भूल गया मैं, तो माफी मांगी जाए परमात्मा से। हे प्रभु, मैं अपने संपूर्ण जीवन को, अपने संपूर्ण विचारों को, अपने संपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स को आपके आगे समर्पित करता हूं। पता नहीं मैंने किस किस से क्या क्या प्रॉमिस कर रखे हैं, पता नहीं मैंने किस किस से क्या क्या प्रॉमिस कर रखे हैं। मैं इसीलिए तो भगवान फरमा रहे हैं, क्या भगवान को नहीं पता ये प्रॉमिस। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू सारी बातों को छोड़कर केवल शरण में आ जा, क्योंकि हिसाब किताब तो तू कर ही नहीं सकता भाई, शरण में आ जा। परमात्मा कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संशय मत कर, भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं। राइट, तो ये जो भाव है ये हमारे कल्याण का सर्वोत्तम रास्ता है कि हे प्रभु मैं शरणागत हूं, हे प्रभु शरणागत हूं, शरणागत की लाज रखो। पता नहीं मैं क्या क्या प्रॉमिस करके आया हूं, और बताता हूं आपको प्रॉमिस, ताकि आपको याद आ जाए, आपके ख्याल में आ जाए। और प्रॉमिस हम कैसे किसके साथ करते हैं, इष्ट के साथ प्रॉमिस कर देते हैं। अभी हमारे पास एक ये देखो इष्ट के साथ कैसा प्रॉमिस होता है। हमारे पास एक केस आया, किसी व्यक्ति ने हमसे बोला कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, एक कपल है उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो अब ये हमने देखा कि भाई पिछले किसी जीवन में इनका कोई ऐसा कर्म नहीं था कि बच्चे ना हो। हमने जब इनका पास्ट लाइफ में देखा कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, गलती क्या है, तो इन्होंने, इन दोनों पति पत्नी ने, किसी जीवन में इनके 9 बच्चे थे, 9 चिल्ड्रन। अब 9 बच्चे थे तो बच्चे चिल्लड़ पो मचाते, एक के मतलब लाइन लगा रखी थी। अब वो एक के बाद एक वो अपना चिल्लड़ पो मचाते सारा दिन। अब इन दोनों का ये स्पिरिचुअली जब प्रोग्रेस होने लगी, आत्मा मेडिटेशन करना शुरू किया, आत्मिक तरक्की होने लगी, अब ये बच्चे चिल्लड़ पो मचाए, बड़े तंग हुए ये दोनों कि यार पैदा तो हो गए पर ये बड़ी मुसीबत पैदा कर ली हमने, तो क्योंकि अब ध्यान करने नहीं देते, लगे हुए हैं ऐसे, कोई यहां से टांग खींच रहा है, कोई यहां से सिर पकड़ रहा है, कोई मेडिटेशन बैठो रो टिकने नहीं देता। तो इन दोनों ने मिलके, दोनों ने प्रॉमिस किया कि हे प्रभु हमें बच्चे नहीं चाहिए, हम साथ तो देंगे एक दूसरे का लेकिन बच्चे नहीं चाहिए। अब बच्चे नहीं चाहिए तो इस जीवन में इनके बच्चे नहीं हो रहे। तो मैंने कहा अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। जब ये बात समझ में आई, अब ये प्रॉमिस किया था इन्होंने अपने इष्ट भगवान के सामने, एक वायदा, एक 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 कॉन्ट्रैक्ट टाइप का प्रॉमिस किया कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो परमात्मा उस जीवन में तो उनके बच्चों को समाप्त नहीं करेगा, जो हैं वो तो हैं, लेकिन आगे से हमें बच्चे नहीं, और ये प्रॉमिस है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है, परमात्मा ने कहा कि साथ भी रहोगे लेकिन बच्चे नहीं होंगे। अब इसमें, अब ये इस जीवन में आके कहते हैं हमें तो बच्चे चाहिए। भैया कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर 2 दिन में तुम अपनी बात बदल लो, अभी तुमने कुछ और कहा था अब तुम कुछ और कह रहे हो। तो 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होते, तो ये इसमें कोई कर्मों का दोष नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का दोष है कि तुमने ऐसे कोई भी प्रॉमिस कर दिया। एक किसी और की स्टोरी बताता हूं। एक लड़की, उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही, तो उसके, हमने देखा कि उसके भाई इसने कोई कोई ऐसा कर्म किया हो जिसकी वजह से शादी में रुकावट आ रही है, हमें ऐसा कोई कर्म ना दिखा। लेकिन फिर एक जीवन में हमने देखा कि इसके पास बहुत सारी, इसने भगवान शिव की आराधना करी है, और ये जैसे लड़कियां जल वगैरह चलाती हैं, 16 सोमवार ऐसा वगैरह रखती हैं, तो इन्होंने भगवान शिव की बहुत आराधना करी। तो इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव को ही
अपना सब कुछ मानती हूं, और मैं जब आपको सब कुछ मान ही लिया तो फिर मैं संसार में शादी नहीं करूंगी। एक जीवन उन्होंने बता दिया। फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं हर जन्म में ऐसे ही होना चाहती हूं, हर जन्म में मैं ऐसे ही होना चाहता हूं, मैं हर जन्म में आपकी तपस्विनी बनकर सेवा करना चाहती हूं। ये भगवान शिव से प्रॉमिस कर दिया। अब इस जीवन में एक लड़की बनकर ये आई है। अब इस जीवन में इनका विचार थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब ये कहती है कि मुझे शादी करनी है। अब शादी कैसे करनी है, क्योंकि प्रॉमिस कुछ और कर रखा है। कहीं भी रिश्ता देखती है, कोई रिश्ता बनने नहीं दिया जाता। हमने देखा कि रुकावट कहां से आ रही है। रुकावट कहीं से नहीं आ रही, रुकावट इनकी उसी उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है कि इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है कि मैंने तो शादी करनी ही नहीं है। अब करनी नहीं है तो फिर वो होने ही नहीं दी जा रही, क्योंकि तुमने तो प्रॉमिस कर रखा है। अब इसमें बताओ परमात्मा का क्या कसूर है? तो परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा बीच में कहां से आ गया? कोई लेना देना नहीं है परमात्मा को कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो इस बात से। मतलब तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कोई प्रॉमिस कर दिया। जोश जोश में आकर कभी कभी हम कह देते हैं ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। नहीं, मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा सदा तुम्हारी ऐसे ही सेवा करूंगा, मैं फलाना करूंगा। अरे भैया, कहते हुए सोचना, आगे से विचार करना। आत्मा ने कह दिया, ये प्रॉमिस छोटे नहीं होते। आपने ऐसे ही एक और प्रॉमिस होता है, कई बार होता है ना कि हे भगवान, ये मुराद पूरी कर दे और मैं तो मेरे तेरे दर्शनों के लिए मैं माता रानी में ये करके आऊंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सुखना। हम पंजाबी में सुखना बोलते हैं, आप कुछ और बोलते होंगे। मतलब मन्नत, मन्नत मांगना, मन्नत मांगना, राइट, मन्नत मांगना बोलते हैं। तो मन्नत मांग ली हमने कि मैं इस काम के लिए मैं आऊंगा, अगर ये काम मेरा हो गया तो मैं आके इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा या ये करूंगा। ऐसे आपने कोई प्रॉमिस कर लिया, और अगर वो प्रॉमिस ना निभाया, भूल गए, प्रॉमिस ना निभाया, तो फिर आपकी वो उस जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब पता नहीं हम कौन सा प्रॉमिस नहीं निभा पाए, हमें क्या पता, भूल ही गए हो तो। क्या पता आपके जीवन की आज की कई समस्याओं के पीछे कोई किया हुआ प्रॉमिस हो। इसको बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा प्रॉमिस किया हुआ, अब हमें तो याद नहीं, तो हम क्या करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक तो परमात्मा की शरण में जाना, पहली बात। जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या करें, भूल ही गए तो क्या करें। तो पहली बात तो आगे के प्रति सचेत हो जाएं, कोई प्रॉमिस ऐसे मत करें। प्रॉमिस वर्ड को ध्यान से यूज करें। कहें कोई भी काम, कोई कहता ना प्रॉमिस कर, प्रॉमिस नहीं कर सकता भाई, मैं अपना प्रयास करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस। सिंपली पहली बात तो प्रॉमिस नहीं करना। दूसरी बात, अगर प्रॉमिस कर दिया, बाय एनी चांस कर रखा है, तो उसको निभाएं। तीसरी बात, प्रॉमिस किया हो और भूल गए हो तो क्या करें, तो फिर परमात्मा से क्षमा मांगे, माफी मांगे, और कहें कि अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज मुझे माफ करो और मुझे रास्ता दिखाओ, प्लीज मुझे आगे का रास्ता दिखाओ और मुझे आगे के लिए गाइडेंस प्रदान करो। मांगो, परमात्मा रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। अरे उसके पास हजार रास्ते हैं, परमात्मा है वो, भूल नहीं गया, तुम्हारा मालिक है, हमारा सबका पिता है वो, भूल नहीं गया। बच्चा किसी भी लेवल पर भटक के पिता के पापा के सामने जाके बोल दे, पापा मेरे से नहीं हो पा रहा, प्लीज हेल्प मी आउट, क्या वो भूल जाएगा? क्या वो कहेगा नहीं 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 मेरे बस का नहीं है, इतने बड़े पंगे लेकर बैठ गया? नहीं, वो पिता ऐसा नहीं है कभी भी। वो सबके साथ जो उसने वो उसने कहा है, कहा है, श्री कृष्ण जी तो फरमा रहे हैं, वो पिता ही तो हैं हमारे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सारी बातें छोड़ और शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू उसमें तनिक भी संशय मत कर। तो ये है शरणागति, बार बार सुबह उठ कर ना, ये मेरा मेरी बात लिख लो आज से, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, खास तौर पे 3:20 AM टू 3:40 AM, एक ऐसा टाइम होता है जब आप मुंह से बात निकालते हो वो पूरी हो जाती है, 3:20 टू 3:40 AM। इस टाइम पीरियड में अगर आप उठ जाओ, तो उठ के एक बार परमात्मा के सामने समर्पण करते हुए हाथ उठाकर, सर झुकाकर, हे परमेश्वर, हे पिता, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं शरण में हूं, मैंने जो भी गलतियां करी हैं, मैंने जो भी प्रोमिसेस किए हैं, जो भी गलतियां करी हैं, जो भी गुनाह किए हैं, जो भी पाप किए हैं, जाने में किए हैं अथवा अनजाने में किए हैं, मैं आपके शरण में हूं, मुझे माफ करो और आगे का रास्ता दिखाओ, मुझे माफ करो और आगे का रास्ता दिखाओ, मुझे माफ करो और आगे का रास्ता दिखाओ। ये 20 मिनट का टाइम सोच लो, परमात्मा बिल्कुल सामने बैठकर आपकी बात सुन रहे हैं।
अपनी बात दिल से कह दो, 2 मिनट, 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ओम की चेंटिंग करो, और ओम की चेंटिंग करके अपनी बात कह दो, कह दो कि प्रभु मेरी, मैं आपके आगे समर्पित हूं। आइए मैं एक बार मेरे साथ कनेक्ट होकर अभी करते हैं, लेट्स कनेक्ट। 1 मिनट के लिए अपनी बात कह देते हैं। इस दौरान अपनी अपनी राम कहानी थोड़ी इससे कम रखें प्लीज, कोई कोई अभी क्लास, अभी बाद में बात करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं 1 मिनट के लिए, है प्रार्थना करते हैं। आइए, हे प्रभु, एक बार पहले, एक बार एक मिनट के लिए मैं जरा इसको कनेक्ट कर दूं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मान लो कि ये इस समय ब्रह्म मुहूर्त है और हम परमात्मा से कनेक्टेड है, अपने इष्ट ईश्वर से, जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आपकी श्रद्धा हो, मैं किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, जहां आप कनेक्टेड फील करो, अब उनके प्रति प्रॉमिस करो, हे परमेश्वर, हे पिता, हे भगवान, हे परमात्मा, मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को आपके आगे पूरी तरह समर्पित करता हूं। मेरी प्रार्थना ध्यान से सुने प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। हे प्रभु, मैंने अनेक जन्मों में अनेक अनेक तरह के कर्म किए हैं और मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या करके आया हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन कौन से कर्म करके आया हूं। आज मैं अपने उन समस्त कर्मों को, अपने उन समस्त प्रॉमिसेस को, जो वायदे मैंने किए हैं, जो मैंने किसी आत्मा से कोई प्रॉमिस किया है, जो किसी भी के साथ मैं कह कर कर भूल गया हूं, किसी इष्ट के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी किसी इंसान के साथ, किसी जीव जंतु के साथ, किसी देवी देवता के साथ, किसी आत्मा के साथ मैंने कहीं पर कोई भी प्रॉमिस किया है, कोई भी ऐसे कर्म किए हैं जिनके बारे में मुझे याद भी नहीं, लेकिन आज वो मेरे कर्म, वो मुझे, मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, मैं वो समस्त कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, मैं उन समस्त कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे रास्ता दिखाएं प्रभु, मुझे अपनी शरण में लें प्रभु, मुझे अपनी शरण में लें प्रभु, मुझे अपनी शरण में लें, शरणागत हूं, मेरी रक्षा करें हर तरह से। मेरे जिन बातों को मुझे याद भी नहीं, आज मैं उन बातों की वजह से दुखी हूं जो मुझे नहीं पता मैंने कब प्रॉमिस कर दिए, मैंने कब किसको क्या कह दिया, मैंने, मुझे अपने कर्म नहीं याद, लेकिन मैं अपने समस्त कर्मों समेत आपके आगे समर्पित करता हूं। मैं जैसा हूं तैसा हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार करें, मेरी गलतियां मुझे याद दिलाएं, अगर मेरे सामने कोई मेरा कर्म सामने आ जाए तो प्लीज मुझे याद दिलाएं, मैं अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगता हूं, मैं अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें प्रभु, मुझे माफ करें प्रभु। आपने प्रॉमिस किया हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं भी अपने समस्त कर्मों, धर्मों, समस्त कर्तव्यों को साथ लेकर अपने पाप और पुण्य सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं, प्लीज मुझे स्वीकार करें और मुझे इन कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाइए, प्लीज मुझे इन कर्म बंधन से छुटकारा दिलाइए, मुझे इन कर्म बंधन से छुटकारा दिलाइए, मुझे इन इन इस कर्म बंधन से छुटकारा दिलाइए, मुझे इस कर्म बंधन से छुटकारा दिलाइए, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। इस दौरान अगर किसी का चेहरा सामने आ जाए, अगर ऐसा करते करते अगर कोई चेहरा सामने आ जाए, उस व्यक्ति के प्रति 1-to-1 माफी मांग लेना, हो सकता है इस जीवन में, हो सकता है किसी भी जीवन में हमने कुछ किया हो, और सोल के प्रति, सोल टू सोल फील करते हुए कि वो व्यक्ति सामने है, उसके साथ मैंने कोई प्रॉमिस किया हो, मान लो किसी का चेहरा सामने आ जाता है, तो उस व्यक्ति के प्रति एक प्रार्थना, 4 लाइनों की होपोनोपोनो प्रेयर, क्या कहना है, आई एम सॉरी, मैंने कोई प्रॉमिस किया निभाया नहीं, या मैंने कोई दुख दिया आपको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। आत्मा टू आत्मा कनेक्शन बनाकर दिल से माफी मांग ले, आज अभी यहीं
यहाँ अनेक एंजल्स प्रेजेंट हैं, पता नहीं किसको कहाँ माफी मिल जाए, क्योंकि आज हम दिल से कनेक्टेड हैं, इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग दिल से भाव से माफी मांग ले, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मुझे माफ करो, इन सबको माफ करो जो इस वक्त माफी मांग रहे हैं, इसके बाद भी जो इस वीडियो को देखकर दिल से माफी मांग लेंगे, उन सबको भी माफ करना प्रभु, जो हमारी जो माफी प्रार्थना करके प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस करके भी माफी मांगेंगे, उन सबको भी माफ करना प्रभु, क्षमा करें और हमें हमारे पापों से, हमारे अवगुणों से, हमारे प्रॉमिसेस से मुक्ति दिलवाएं, मुक्ति दिलवाएं, मुक्ति दिलवाएं, हम शरणागत हैं, हम शरणागत हैं, हम पर कृपा करें प्रभु, हम पर कृपा करें प्रभु, हम पर कृपा करें प्रभु। मेरे गुरुदेव आरती में लिख लिखते हैं, मैं अपराधी जीव हूं, न जाने कितने अपराध किए हैं मैंने, नख शिख भरा विकार, पैरों की नखूनों से लेकर सिर की चोटी तक पता नहीं कितने पाप, कितने गुनाह, कितने अवगुण मेरे अंदर हैं। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार, हे प्रभु अपनी कृपा से मेरा भी कल्याण कीजिए, मेरा भी कल्याण कीजिए, मैं भी शरणागत हूँ, मेरी भी रक्षा कीजिए, मैं हर तरह से आपके चरणों में झुका हूँ, आपकी कृपा से मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, मेरे जीवन को सदमार्ग पर लेकर चलिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो प्रभु, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अस्तो मा सदगमय, प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मैंने अनेक जन्मों में अनेक लोगों से इन्फ्लुएंस होकर न जाने कैसे कैसे कर्म कर दिए, अपने हर कर्म के लिए, हर गुनाह के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें प्रभु, मेरी गलतियां क्षमा करें, मेरी गलतियां क्षमा करें प्रभु, आज अभी यही माफ माफ करें और मेरे जीवन में सत्य के द्वार खोलिए प्रभु, मेरे जीवन में सत्य के द्वार खोलिए, मेरे जीवन में सदमार्ग दिखाइए प्रभु, मुक्ति का द्वार खोलिए प्रभु, मुक्ति का द्वार खोलिए प्रभु, मुक्ति का द्वार खोलिए, मेरी गलतियां क्षमा करें। इस दौरान अगर कोई चेहरा याद आ जाए, कोई भी ऐसा बात याद आ जाए कि शायद मैंने कोई प्रॉमिस किया हुआ भूल गया हूं, तो अभी और यहीं पुनः माफी मांग लें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरे भावपूर्ण ये अश्रु स्वीकार करें, अगर दिल से आंसू निकलते हैं निकल जाने दें, निकल जाने दें, पता नहीं कौन से कर्म हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाए इस समय में, अपनी बड़ी से बड़ी गुनाह के लिए भी माफी मांग लें, हो सकता है आज मैं जिस चीज में सबसे ज्यादा मैं तकलीफ है मेरे जीवन में, जो सबसे बड़ी तकलीफ हो, उस तकलीफ के लिए एक हो दो हो उसके लिए एक बार पुनः प्रार्थना कर दे कि मेरे जीवन में ये जो समस्या चल रही है, इस समस्या में मैंने जो भी कर्म किया था जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई है, उसके लिए भी मैं पुनः आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, शो मी द राइट पाथ, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए, जिसके कारण मेरे जीवन में ये सफरिंग है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, चाहे फिजिकल है, चाहे मेंटल है, चाहे साइकोलॉजिकल है, चाहे पैसे की प्रॉब्लम है, रिश्तों की प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे माफ कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए, ये है प्रार्थना, ये है प्रेम पूर्ण की गई प्रार्थना, प्लीज शो मी द राइट पाथ। आज इस सेवक के दिल से ये प्रार्थना निकली है, प्रभु सुन रहे हैं और ये प्रार्थना स्वीकार हो रही है, परमात्मा स्वीकार करें और अनेक अनेक लोगों को अपने दुखों से मुक्ति दें, प्रॉमिस है मेरे गुरुदेव का, जो भी प्यार से इस प्रार्थना को इसी प्रकार दोहराएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो विशेष रूप से स्वीकार होगी, बाकी समय में भी जब जब दिल से प्यार से इस प्रार्थना को कोई दोहराएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, तो ये प्रार्थना केवल इस लाइन को दोहराने मात्र से उसके पापों से उसे मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ऐसा स्वीकार करें। तो थैंक यू वेरी मच, दिल में देखें उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, आइए परमात्मा से ये भी प्रार्थना करें कि हमें सदमार्ग पर ले चले, अस्तो मा सदगमय, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमारे वेदों के ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, मृत्युर्मा अमृतम अमृतम गमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मेरी जीवन भी मेरी आत्मा भी खिल उठे, जिस महान लक्ष्य के लिए मैं धरती पर आया हूं मैं वो प्रॉमिस पूरा करके जाऊं, हे प्रभु कृपा करो कि आपका नाम मुझे कभी ना भूले,
आपका पवित्र नाम मुझे कभी ना भूले, क्योंकि आप ही ने फरमाया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये पवित्र नाम मुझे कभी ना भूले, मैं सदा आपको याद रख पाऊं, आप मेरे हृदय में बसे रहें और सदा सर्वदा मेरे द्वारा संसार की सेवा होती रहे, कल्याण होता रहे और मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाए, इस जन्म मरण के चक्कर से मेरा छुटकारा हो जाए, मुझे मुक्ति प्रदान करना, मुझे इस जीते जीवे मुक्ति प्रदान करना, इन कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करना और मृत्यु के बाद भी मुझे अपने चरणों में स्थान देना। ये अभी प्रॉमिस कर ले, मरने के बाद कोई नहीं देखेगा। औरों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उसे भी देना, उस पर भी कृपा करना, वो मेरा अपना था, क्योंकि मैंने हो सकता है उसके साथ प्रॉमिस किया हो, उसके बिहाफ पर भी, लोगों के बिहाफ पर भी ये प्रार्थना आप कर सकते हैं कि उसका भी कल्याण करना। पता नहीं मैंने किसके निमित्त कुछ कर दिया हो, किसी के साथ कोई प्रॉमिस कर दिया हो, क्या पता उसके निमित्त भी मैं प्रार्थना कर दूं कि उसका भी कल्याण करना प्रभु, उसका भी कल्याण करना। और याद रखना, आप हम भूल सकते हैं, परमात्मा नहीं भूल सकता, उसको तो याद है। तो दिल से जिसने भी प्रार्थना करी है, देखिए हृदय के अंदर अपार शांति मिली होगी आपको इस प्रार्थना को करने से। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लें, धन्यवाद दें प्रभु का, शुक्रिया अदा करें, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अनेक कर्म बंधन काट कर मुझे मुक्ति की राह पर चलाया है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और साथ में आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे सत्य की राह पर लेकर चलना। हो सकता है मेरे अंदर अनेक मुझे मेरी मेरी गलतियां रही हो, लेकिन आपकी कृपा से मैं उन सब चीजों से छुटकारा पा सकूं, दूसरों के भी दुख में दूर करने में सहयोगी हो सकूं और अपने जीवन का भी कल्याण कर जाऊं। याद रखना, गुरु नानक साहब जी की पवित्र वाणी याद दिला रहा हूं, जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल, गुरु नानक देव जी फरमाते हैं जिन्होंने नाम का सिमरण किया, परमात्मा को याद किया, गए मशक्कत काल, मतलब उनकी मेहनत जो है वो परवान हुई। फिर कहा नानक ते मुख उजले, उनके खुद के मुख तो उज्जवल हो गए परमात्मा के दर पर, उनके खुद के मुख भी उज्जवल हो गए, केती छुट्टी नाल, उनके साथ साथ अनेक लोगों का कल्याण भी हो गया, ना केवल उनका खुद का कल्याण हुआ, जिन्होंने परमात्मा की शरणागति ग्रहण करी उन अनेक लोगों का कल्याण होगा। इसलिए भक्ति मार्ग की इतनी महिमा है। भक्ति मार्ग कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, भक्ति मार्ग में शरणागति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। ये कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, लोग करते करते यही के नाम का जाप करते करते न जाने कितने लोग पवित्र हो जाते हैं, कितने लोग इस संसार सागर से छूट कर पार होकर ऐसे ही राम नाम का जाप करते करते न जाने कितने लोगों की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, आपको पता है। याद करना, इसलिए भूल मत जाना, बस यही भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाहो, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भज ले रे मन सारंग पाणी। हे मेरे मन, तू परमात्मा के नाम का स्मरण कर। कैसे कर? जैसे सारंग पक्षी होता है, वो परमात्मा को वो याद करता है, पानी की रटन लगाता है, तू परमात्मा की रटन लगा ताकि तेरा भी उद्धार हो जाए। जब भज ले रे मन सारंग पाने, कहने अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाई। अब नहीं भजेगा तो फिर कब याद करेगा परमात्मा को? मृत्यु के समय में जब लोग चार कंधे पर लेकर पड़े होंगे, फिर कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तब क्या होगा? आज भी तो सत्य है, तो जीते जी कह लो, इससे पहले कि चार लोग कंधे पर रखकर बोले कि राम नाम सत्य है, हम ही अभी बोल लेते हैं राम नाम सत्य है। हम कौन सा कह रहे हैं? हम अभी कह रहे हैं कि राम का नाम ही सत्य है। जीते जी जान लेना, मृत्यु के बाद जो लोग दिया दिखाते हैं मृत्यु के बाद, तो क्या क्या करते हैं वो, कि दिया दिखा दो, मृत्यु के समय में दिया देख के पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे अभी भीतर का दिया देख लो, यहां दिया जल रहा है, यहां पर दिया जल रहा है, उस दिए को अभी देखो ना, मजा आएगा। हमारे 21 डेज वाली ध्यान की सीरीज करी है आपने किसी ने? अगर नहीं की है तो करना, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा करके देखना, तो 21 डेज वाली ध्यान सीरीज अगर आपने नहीं की तो वो करके देखना, बड़े गजब की बड़ी प्यारी चीज है। उसका लिंक आपने 21 डेज मेडिटेशन में यहाँ पर डाल देता हूँ, एक बार दोबारा से सभी को बोल रहा हूँ, आप बड़े प्यार से आप ये 21 डेज वाली मेडिटेशन सीरीज करें और आपको ये बड़ी इजीली आपको ये 21 डेज वाली सीरीज का ये मैंने वो डाल दिया है,
ये सब फ्री है, आप बड़े प्यार से इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये लिंक मैं यहाँ पर आपको डाल रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज करें। ठीक, ये सीरीज है, आप यहाँ पे क्लिक करके एक मेडिटेशन डेली करें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतना आनंद आपको मिलेगा ना इसको करने में। आप सारा 21 डेज में पूरा सार डाल दिया अध्यात्म का, ये पूरा सार हो, सबके लिए फ्री है, इसके लिए कोई वो नहीं रखा हमने, तो बस सेवा प्यार से कि काश किसी का कल्याण हो जाए, काश इन आत्माओं को ये जो दुख है इस दुख से मुक्ति मिल जाए, तकलीफ से मुक्ति मिल जाए, बस इतना ही प्रॉमिस कि किसी तरीके से हमारा कल्याण हो जाए, किसी तरीके से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो आइए मैं इसी तरीके से मैं समझता हूँ बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। अब अगर आपको बात समझ में आ गई है और मन कनेक्ट हो गया है, तो इस सत्र को हम यहाँ पर अभी इस पार्ट को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप हमारे भक्ति चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भक्ति चैनल पे स्पेशली इस तरह की अनेक भजन सिमरन मेडिटेशन और बहुत सो दिया हुआ है, क्योंकि हमारे मेन चैनल की थीम